टेबल पे एक साउंड बार रखने से क्या आपको कोई बता सकता है आपके रूम के हिसाब से बेस्ट साउंड बार कौन सा रहेगा, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए हमें एक साउंड बार खरीदने से पहले। राइट नाउ जो आपको ऑडियो आ रही होगी ये आपको एक नॉर्मल ऑडियो आ रही होगी, अब जो आप आवाज सुन पा रहे हो इसमें आपको थोड़ा सा यार लग रहा होगा कि नहीं यार मन नहीं मन कर रहा सुनने का, और अब जो सुन रहे हो तो भाई साहब बिल्कुल ही रद्दी बेकार। सेम चीज फॉलो होती है अपनी साउंड बार खरीदने से पहले आपके लिए रूम में, यार साउंड बार लगाने के बाद भाई सुनना भी तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई दो चार दिन के लिए ले रहे हो तो पैसे लगा रहे हो, तो भाई साहब वर्थ इट वैल्यू फॉर मनी निकलना चाहिए। तो आज आपको बताने वाले हूं ऐसी क्या क्या चीजें जो कि आपको एक साउंड बार खरीदने से पहले देखनी चाहिए। ऑफ कोर्स यार सेल वगैरह में डिस्काउंट तो उठा लेंगे बट डिस्काउंट नहीं खरीद रहे आप, आपको खरीदना है एक बढ़िया साउंड बार। एंड इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है साउंड बार के ऊपर, स्टार्ट टू फिनिश कंप्लीट आपको बाइंग गाइड दे दूंगा। स्टार्टिंग विद द नंबर वन थिंग, ऑडियो सिग्नेचर। ऑब्वियसली बात है अगर हम एक साउंड बार ले रहे तो वहां पर हम ऑडियो क्वालिटी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, साथ ही साथ ऐसा तो है नहीं कि भाई डिस्काउंट ही नहीं लोगे, बट डिस्काउंट लेने के चक्कर में इतना डिस्काउंट मत ले लेना कि वहां पर आपकी ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार हो जाए। 2-3 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ जाए वहां पर अगर आपको एक बढ़िया ऑडियो क्वालिटी के साथ साउंड बार मिल रहा है, बेटर कि आप उसके साथ जाओ, ये नहीं कि भाई साहब 2-3 हजार कम में डिस्काउंट में ये मिल रहा है, ये वाली सेल चल रही है अमेज़न फ्लिपकार्ट की तो भाई जबरदस्ती ये खरीद लिया। एट द सेम टाइम अगर आप एक टीवी के लिए साउंड बार खरीद रहे हो कि आपको टीवी की ऑडियो को एनहांस करना है, तो उस केस के अंदर हमारा मेन मोटिव होता है अपना टीवी के बेस को बढ़ाना, ऑडियो को बढ़ाना, तो वहां पर आपका एक बजट साउंड बार भी बढ़िया काम करके दे देता है जिसकी प्राइस सेगमेंट आप अराउंड अंडर 10,000 आपको बढ़िया बढ़िया डिसेंट साउंड बार देखने को मिल जाएंगे फॉर योर टीवी। तो उसमें आपको 20,000-30,000 स्पेंड करने का एज सच कुछ वर्थ इट नहीं बनता। अपने सेकंड चीज आती है बजट, कितना है, कितना आपको स्पेंड करना चाहिए, अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो आपको मिलेगा क्या। तो अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो अगर आप एक 10,000 का साउंड बार खरीदते हो उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा बेस देखने को मिल जाता है, क्लैरिटी देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ 5.1K साउंड बार आ जाते हैं। अगर हम 10,000 से 20,000 तक अगर हम जाएं तो वहां पर आपको एक क्लियर आउटपुट देखने को मिलती है, एंड अबाउट 20,000 जाएंगे वहां पे आपको थोड़ी सी महंगी बातचीत देखने को मिल जाएगी, तो उस केस के अंदर आपको क्लैरिटी काफी ज्यादा रिच मिलेगी। वहां पर हम आउटपुट के ऊपर ऑब्वियसली बात है पैसा नहीं डाल रहे, तो सिंपल सीधी बात है अगर आपको बेस बजाना है ना भाई साहब, बेबी को बेस पसंद है, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि आपको 50,000 का साउंड बार खरीदना पड़ेगा, वो काम आपको 10,000 में देखने को मिल जाएगा, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट थर्ड चीज आती है 2.1 और 5.1 का, भाई क्या लफड़ा है, क्या चक्कर है, कुछ समझ ही नहीं आता। साउंड बार खरीदो तो आगे लिखा होता है 2.1 5.1, तो सिंपल सीधी चीज है, देखो अगर आपका रूम एक 300 स्क्वायर फीट से कम का है तो वहां पर आपका 2.1 साउंड बार बढ़िया काम करके देगा, आप इतना समझ लो। एट द सेम टाइम अगर आपका 300 स्क्वायर फीट से बड़ा रूम है, लाइक आप लिविंग रूम में, आप डाइनिंग एरिया में यूज कर रहे हो, आपका आसपास किचन वगैरह है, तो वहां पर आपका रूम थोड़ा बड़ा हो गया, डाइनिंग हॉल में आप भाई साहब ऑपरेट करने वाले चीजों को, तो वहां पर आपका 5.1 साउंड बार बेस्ट वर्क करके देगा। एंड ऑब्वियसली बात है रूम एकॉस्टिक तो काम करके देंगे, रूम एकॉस्टिक से काफी ज्यादा डिफरेंस वैल्यू क्रिएट होती है साउंड क्वालिटी की, जितना बढ़िया आपका रूम एकॉस्टिक पैनल्स होंगे उतनी बढ़िया आपको साउंड क्वालिटी मिलेगी, जितना ज्यादा आपका भाई साहब थोड़ा सा रूम एकॉस्टिक डिग्रेड होंगे तो वहां पे आपकी ऑडियो क्वालिटी भी ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाएगी। तो प्रो टिप सजेशन ये है स्मॉल रूम्स वालों के लिए 2.1 का साउंड बार लगाओ और मौज उठाओ। एंड एक और चीज साउंड बार खरीदने से पहले जब भी आप स्पेक्स वगैरह पढ़ते हो तो वहां पर दो चीज देखने को मिल जाती है, एक होती है मोर आउटपुट और एक होती है पीक रेंज, तो आपको इतना ध्यान रखना है प्रेफरेंस आपको पीक रेंज को देनी है, जितना ज्यादा आपकी पीक रेंज होगी उतना बढ़िया। तो अब हमने कंप्लीटली साउंड बार खरीद लिया है, अब बात आ जाती है भाई साहब घर पे ले आए अब इसकी प्लेसमेंट कहाँ करें, रखेंगे कहाँ, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया के अंदर के यार मोस्टली हर जगह पर ही जो अपना साउंड बार इंस्टॉल होता है वो अंडर अ टीवी होता है, तो टीवी के ऊपर तो आपने साउंड बार लगा दिया बट जो उसका सब वूफर है वो कहाँ रखेंगे, तो ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं टेबल टॉप के ऊपर ही रख देते हैं, तो वहां पर आपको ना एक बढ़िया बेस फील नहीं होती, तो उसको रखेंगे भाई साहब हम फ्लोर पे, जिससे कि आप अपनी बेस के फ्लो को फील कर पाओगे बढ़िया तरीके से, तो एक नॉर्मल प्लेसमेंट लेफ्ट राइट होने की वजह से आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। एंड लास्टली बात करूं काफी बंदों के दिमाग में रहते हैं डॉल्बी एटमॉस का क्या सीन है, ये भी हमें साउंड बार के आगे पीछे देखने को मिल जाता है, ये आपको अनकंप्रेस ऑडियो देता है और वो प्ले कर देता है डिफरेंट चैनल्स के अंदर, इसका इतना ही काम होता है, तो डॉल्बी एटमॉस का बेस्ट एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा 5.1 साउंड बार के अंदर, इंस्टेड 2.1 की तरफ अगर आप जाओ, रूम जितना बड़ा होगा डाइनिंग रूम वगैरह के हिसाब से या फिर जब भी जहां पे भी आप 5.1 का साउंड बार लगाने की सोच रहे हो उसके साथ भाई डॉल्बी एटमॉस बढ़िया काम करके देगा, तो वहां के हिसाब से बेस्ट बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप इसको भी उठा सकते हो। तो ये थी अपनी 3-4 चीजें जो कि हमने देखी एक साउंड बार खरीदने से पहले, तो बस यार आज की वीडियो में इतने, वीडियो अच्छे तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अभी तक चैनल पे नहीं हो तो यार सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना है, ऐसी गैजेट रिलेटेड अनबॉक्सिंग कंपैरिजन वीडियो चैनल पे आती रहती है, डू इट द थम्स अप बटन, टिल देन बाय बाय।